कि सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। तो अभी तक जो है हमने क्या किया था, हमने अपना डेटाबेस कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने अलग से एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी बनाया था ऑनलाइन लाइब्रेरी के नाम का। ऐसे ऑनलाइन लाइब्रेरी के नाम का हमने क्या बनाया था, एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके अंदर एडमिन पैनल, यानी कि मैंने आपको एक प्रोफेशनल वे और प्रोफेशनल टच देने की कोशिश की थी कि भाई यूजर पैनल बनता है, फिर उसका एडमिन पैनल बनता है और सारी कंट्रोलिंग एडमिन पैनल से होती है, और एडमिन जो है हमारा विदाउट लॉगिन नहीं होता, क्योंकि एडमिन के लिए हमारे पास ऑथेंटिकेशन लाजमी होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्राइवेट यानी कि हमारा एक सेक्शन माना जाता है कि भाई ये एडमिन को सिर्फ और सिर्फ वही खोल सकता है जो वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर है या जो या मॉडरेटर है, ठीक है। तो भाई यहां तक हमने करने के बाद सेशंस भी हमने पढ़ लिए थे। मैंने आज स्टार्ट करना था सेशन पे, एक छोटी सी सेशन बेस्ड शॉपिंग वेबसाइट, ठीक है, और सेशन बेस्ड हम उस पे एड टू कार्ट भी बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने सेशन नाम का अलग से फोल्डर बनाया हुआ था अपने पास, जहाँ जिसमें हमने सेशंस पढ़े थे कि हाउ टू क्रिएट, हाउ टू फेच एंड हाउ टू डिलीट योर सेशंस, तो इसी के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ शॉपिंग साइट, शॉपिंग साइट, ठीक है। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और मैं क्या करता हूं कि ये फोल्डर अपने एडिटर के अंदर ऑन कर लेता हूं यहां पे आके। अब क्योंकि हम डिजाइन करेंगे डायरेक्ट यूजर पैनल ऑफ शॉपिंग वेबसाइट ना, ठीक है, तो फिलहाल हम इसके अंदर डमी के तौर पे कुछ प्रोडक्ट रखेंगे जो कि विदाउट डेटाबेस होंगे, ये याद रहे, क्योंकि फिलहाल मैंने क्या कहा है कि सिर्फ सेशन बेस्ड बनाएंगे विदाउट डेटाबेस, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करा देता हूं विद द नेम ऑफ इंडेक्स डॉट पीएचपी। मैंने एक फाइल जनरेट करा दी, ठीक है। इस फाइल को मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करूंगा, क्या करूंगा, ओनली क्या हो गया, ये लोडिंग कर रहा है बहुत आजकल, ठीक है। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, और इसके अंदर मैं टाइटल को मैंने टाइटल दे दिया, और हम सेशन फोल्डर के अंदर आके मैं इसको ऑन भी कर लेता हूँ शॉपिंग साइट के जरिए, और ये मेरे पास ऑन हो गया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम बूटस्ट्रैप जो उठाते हैं वो बूटस्वैश नाम के एक वेबसाइट से बूटस्ट्रैप की सीएसएस उठाते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है सीएसएस, बूटस्ट्रैप की सीएसएस के लिए, क्योंकि इसमें हमारे पास बने बने टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो हम यहाँ से अगेन कोई ना कोई टेम्पलेट चूज कर लेते हैं। पिछली बार हमने कोई और टेम्पलेट उठाया था, तो इस बार कोई डिफरेंट चूज कर लेते हैं, तो मैं ये ऑन कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। तो इसकी मैं सीएसएस ऑन कर लेता हूं, एंड इसकी सीएसएस को मैं कॉपी करके अपने पास या अपने फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल जनरेट करा देता हूं विद द नेम ऑफ स्टाइल डॉट सीएसएस, और इसके अंदर मैं अपना सारा कोड पेस्ट करके सेव कर दूंगा, ठीक है। एंड यहां पे हम इसको लिंक करा देंगे, स्टाइल डॉट सीएसएस डायरेक्टली आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम इस पे बूटस्ट्रैप का काम करने जा रहे हैं डिव डॉट। सबसे पहले एक कंटेनर, एक कंटेनर टाइप डिव बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं एक H1 यूज कर लेता हूं फॉर हेडिंग के शॉपिंग साइट, ठीक है। जस्ट मैंने क्या कर दिया, एक हेडिंग दे दी है शॉपिंग साइट के नाम का, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे दो एंकर्स बना लेता हूं, एक होम के नाम का और एक कार्ट के नाम का, ठीक है। कार्ट में मीन्स के जो भी चीज मैं परचेज करूंगा वो वहां पे मेरे पास डिसेबल, सॉरी यानी कि वो नजर आ रही होगी, ठीक है। इनके अंदर मैं फिलहाल कार्ट के तो अंदर मैंने अभी कोई फाइल बनाई नहीं है, इसके अंदर यही लिंक दे देता हूँ, और इसको मैं एक क्लास असाइन कर देता हूँ किसकी, बूटस्ट्रैप की, फॉर बीटीएन बीटीएन
प्राइमरी, ठीक है। या ये इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल बनाने की कोशिश करता हूं, तो मैं इसको वार्निंग दे देता हूं, एंड कॉल एलजी तकरीबन 2 के जितना, ठीक है। और यही क्लास में असाइन कर देता हूं अपने सेकंड बटन को भी, सेकंड एंकर को भी। तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं, एक होम है और दूसरा क्या है मेरे पास, कार्ट है। अब मैं नीचे क्या करूंगा फिलहाल, क्योंकि हम वैसे ही नॉर्मल इतना डिजाइन नहीं कर रहे, तो मैं बीआरई यूज कर लेता हूं, ठीक है। वरना तो हम मार्जिन वगैरह से इन चीजों को सीएसएस से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने टेबल बना दी, देन टेबल हेडर बनाया, देन उसके अंदर एक रो क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। और देन उसके अंदर कॉलम्स, ठीक है। फर्स्ट कॉलम होगा मेरे पास नेम नाम का, सेकंड कॉलम होगा मेरे पास इमेज नाम का, थर्ड कॉलम होगा मेरे पास विद द नेम ऑफ प्राइस, एंड फोर्थ कॉलम होगा मेरे पास, या फोर्थ कॉलम नहीं बना सकता फिलहाल, इतना बना देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास नजर आ रहा है। मैं टेबल को क्लास असाइन कर देता हूँ, टेबल, तो टेबल के जैसा बन गया, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड रखाऊंगा वो डमी रिकॉर्ड होगा, ये याद रहे, ठीक है। मैं इसके अंदर जो कोई भी रिकॉर्ड रखाऊंगा वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक डमी के तौर पे, एक प्रोटोटाइप होगा सिर्फ, ठीक है। मैं इसका बॉडी बना लेता हूँ, टेबल बॉडी, उसके अंदर टी आर एंड देन टेबल डेटा, ठीक है। नेम ऑफ योर प्रोडक्ट मैं नाम दे देता हूं, जैसे कि शर्ट होगी, ठीक है, शर्ट आ गया। सेकंड कॉलम में मैंने क्या चाहिए, इमेज चाहिए, तो मेरे पास क्या इमेज मौजूद है, मैं यहां आ जाता हूं, गूगल कर लेता हूं फॉर शर्ट्स, ठीक है। ये आई डोंट नो क्यों इस वक्त ही ये मेरे पास ऑप्शन आ जाता है भाई, शर्ट्स के नाम से मैंने ऑन कर लिया है, और मैं इमेजेस में आके यहां से कोई भी एक शर्ट में क्या कर लेता हूं, डाउनलोड, ठीक है। फॉर सपोज कि इनमें से कोई शर्ट जो अच्छी लगे, है नहीं, बस ये ही ऑन कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव इमेजेस, और मैं इसको डायरेक्ट हमारे फोल्डर के अंदर ही जाके सेव करवा देता हूँ, ठीक है। सेवन टू नाइन एंड उसके अंदर सेशंस शॉपिंग साइट, ठीक है। मैंने इसको सेव करवा दिया है, ये मेरे पास सेव हो गई है। मैं इसको बंद कर लेता हूँ, हम अपने फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास शर्ट आ गई है, मैं एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ इमेजेस, ठीक है, ताकि उसी में हम अपनी पिक्चर्स को रख सकें, ठीक है। एंड मैं इसका नाम भी रिसाइज कर देता हूं विद द नेम ऑफ pic1.jpg, picture1.jpg। मैं यहां आ गया अपने अगेन, तो देखें ये पिक्चर मेरे पास यहां रखी हुई, ठीक है। इमेजेस एंड pic1.jpg, पिक्चर मेरे पास आ गई काफी बड़ी साइज में। मैं इसको विड्थ देके छोटा कर देता हूं, जैसे कि फॉर सपोज के 20%, ठीक है, क्लियर है। एक छोटी सी बस टेबल यहां पे मेरे पास आ गई, टेबल यानी कि क्योंकि हम इसको फिलहाल बिल्कुल वैसा डिजाइन नहीं कर रहे जैसे शॉपिंग की वेबसाइट्स होती है, यानी कि हम डेमो के तौर पे सिर्फ इसको डिजाइन करें, क्योंकि हमारा जो असल काम है वो असल में एड टू कार्ट है, कि किस तरह से ये एड टू कार्ट होगी, ठीक है। एंड देन व्हाट
प्राइस टेबल डेटा एंड फोर्थ अपोज के इस मेरे शर्ट मेरी कितने की है तकरीबन पाकिस्तानी 500 या 500 ज्यादा सस्ता हो गया ठीक है 1000 ओके भाई ये शर्ट है मेरी इतनी उसकी ये प्राइस है वगैरह ठीक है क्लियर अब मैं क्या करता हूं मैं एक रो बना लेता हूं और इस रो के नीचे मैं एक टीडी के अंदर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक लिखवाऊंगा क्वांटिटी ठीक है देन उसके बाद वाली टीडी के अंदर मैं एक टैक्स बॉक्स बनाऊंगा इनपुट टाइप टैक्स ठीक है मेरे पास बन गया सही भले अगर आप इसको बूटस्ट्रैप की क्लास असाइन करना चाहें तो कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास है फॉर्म कंट्रोल के नाम ठीक है जो कि फिलहाल तो इसको काफी बड़ा कर देगा ठीक है तो मैं इसको कॉल यानी कि हाफ ऑफ माय कॉलम माय टेबल कॉलम ठीक है ये इतना बन गया सही उसके बाद वाली टीडी के अंदर मैं बटन जनरेट कराऊंगा जो कि किसके लिए होगा हमारे एड टू कार्ट के लिए ठीक है किसके लिए होगा एड टू कार्ट के लिए तो मैं ये इनपुट टाइप सबमिट बनाऊंगा मैं बताता हूँ कि इनपुट टाइप सबमिट क्यों बना रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर ठीक है वैल्यू ठीक इसको वैल्यू में क्या दे दूं जैसे कि एड कार्ट एंड एड कार्ट एंड नेम मैं इसको दे दूंगा एड कार्ड मेरे पास बटन भी बन गया ठीक है इस बटन को भी मैं बूटस्ट्रैप की क्लास असाइन कर देता हूं बीटीएन बीटीएन प्राइमरी ठीक है बस जिस किसी को भी परचेजिंग करनी है वो करेगा कहां से यहां से ठीक है प्रोडक्ट्स बढ़ती जाएंगी टेबल की रोज बढ़ती जाएंगी मेरे पास सिंपली ठीक है प्रोडक्ट्स जब बढ़ेंगी तो टेबल की रोज भी मेरे पास क्या होती जाएंगी बढ़ती जाएंगी वो तो बात का मसला है वो तो हम जब इसके अंदर डेटाबेस इंप्लीमेंट करेंगे तो वो तो हमारा बात का मसला है ठीक है फिलहाल हम विदाउट डेटाबेस क्योंकि बना रहे हैं तो इसको फिलहाल हम क्या रखेंगे स्टैटिक रखेंगे ठीक है क्लियर है अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको कही कि ये क्या है मैं इसके अंदर इनपुट टाइप सबमिट क्यों डाल रहा हूं क्योंकि इसमें हमने फॉर्म एक्शन लगाना है हमने इस पे क्या लगाना है फॉर्म एक्शन लगाना है इस पर्टिकुलर चीज पे हमने ठीक है तो वो कैसे लगाएंगे मैं यहां पे क्या करूंगा भले आउट ऑफ टेबल या यहीं पे आप फॉर्म बना लो सही है या ठीक है फॉर्म बंद हो गया ठीक फॉर्म मेरा क्या हो गया बंद हो गया टेबल बॉडी यहां पे आ गया सही अब मैंने करना क्या है मैं इसके अंदर लगाऊंगा फॉर्म एक्शन अभी हम यानी कि वो एक फाइल बनाएंगे एड टू कार्ट के नाम से सॉरी या इंसर्ट कार्ट के नाम से इंसर्ट कार डॉट पी एच पी एंड मैं इसको मेथड असाइन कर देता हूं पोस्ट ठीक है अब भाई क्योंकि अब फॉर्म एक्शन बनाने का एक मकसद क्या था वो फॉर्म एक्शन बनाने का मकसद ये है क्योंकि ये मेरे पास वैल्यूज क्या रखी हुई है स्टैटिक ना तो मैं इसके अंदर सेशन में इन चीजों को कैसे स्टोर करवाऊंगा जाके ये चीजें मैं यहां से अपने इंसर्ट कार्ड की फाइल की तरफ कैसे भेजू क्योंकि ये तो एज इट इज लिखी हुई है चीज बस ठीक है तो मैं इनके इनपुट टाइप हिडन बनाऊंगा क्या बनाऊंगा इनपुट टाइप तो मैं यहीं पे बना लेता हूं आफ्टर टेक्स्ट ठीक है इस टेक्स्ट को मैं नेम भी असाइन कर देता हूं क्यूटीवाई यानी कि क्वांटिटी ठीक है देन विदाउट टीडी ही मैं इनपुट टाइप हिडन बनाऊंगा विद द नेम ऑफ नेम एंड वैल्यू इसके अंदर स्टैटिक रखवा दूंगा क्या शर्ट का नाम ठीक है
एम इसी तरह से एक दूसरा इनपुट टाइप हिडन विद द नेम ऑफ प्राइस ठीक है विद द वैल्यू ऑफ शेड प्राइस, शेड की प्राइस मैंने यहाँ पे कितनी लिखवाई है 1000, तो यहाँ पे भी 1000। ऐसा गलती करने की जरूरत नहीं है कि भाई फोर सपोज यहाँ पे शेड की प्राइस लिखी हुई है 1000, पीछे कार्ड के अंदर जा रही है 500, बंदे को सस्ती चीज मिल गई, भाई नुकसान करा देंगे फिर तो आप कंपनी का, ठीक है। तो हमने कंपनी का नुकसान तो करना नहीं है, ठीक है। तो हमें इन चीजों का फिलहाल, क्योंकि हम स्टैटिक रख रहे हैं तभी थोड़ा सा ख्याल रख रहे हैं इन चीजों का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, किसी भी किस्म का एनी? पक्का है, गुड है, ठीक है। तो भाई ये मेरी यहां तक डिजाइन हो गई, यहां तक मेरा क्या हो चुका है, ये डिजाइन हो चुका है। अब आप स्टूडेंट्स को जो मैं टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क ये दे रहा हूँ कि आप लोगों ने भी ये चीज एज इट इज ऐसी एक डिजाइन करके आनी है कल, ठीक है, ताकि कल हम इस पे फर्दर आगे काम कर सके। आज के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको एक प्रोटोटाइप बनाना सिखाया है कि भाई एक डमी हमने बनाया है शॉपिंग वेबसाइट के लिए, एक प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप कहते हैं डमी को, ठीक है। हमने क्या बनाया यहाँ पे, एक डमी तौर पे एक चीज बनाई है, किसकी, अपनी शॉपिंग वेबसाइट का एक होम पेज बनाया जिसमें मेरा प्रोडक्ट पर्टिकुलर रखा हुआ है, और यहाँ से ये यानी कि परचेज हो सकता है। परचेज कैसे होगा कि भाई मैं यहाँ पे क्वांटिटीज को असाइन करूंगा कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में चाहिए। फॉर सपोज मुझे ये 4 शर्ट्स चाहिए और मैं इसको क्या कर दूंगा, एड टू कार्ट कर दूंगा, ठीक है। और बैकग्राउंड में ये मेरे पास कार्ट के अंदर स्टोर होती जाएंगी, मैं यहाँ से अपने कार्ड्स को व्यू भी कर सकूंगा कि भाई मेरे पास जो जो प्रोडक्ट्स रखी हुई है वो मैं उनको सब इजीली व्यू कर सकूंगा, भाई मैंने अभी तक ली कितनी है, देन प्रोसेस का काम करेंगे वगैरह वगैरह। भाई क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी को भी, कोई कंफ्यूजन? तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो आप मुझसे बाद में भी यानी के पूछ सकते हैं। एंड मैं अपने व्यूवर्स को भी कहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ के लिए इतना काफी है। कल हम इस पे जो है वो कार्ड का काम करेंगे, कार्ड में इंसर्शन का काम करेंगे, कार्ड बनाना सीखेंगे, कार्ड बनता कैसे है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।